कानूनी विवाद के चलते अयोध्या में तो नहीं बन पा रहा है श्री राम का मंदिर, लेकिन हिंदू सेवा समिति इटावा में स्थापित कर रही है अयोध्या में बनने वाली प्रस्तावित श्री राम मंदिर में लगने वाली प्रतिमा की प्रतिमूर्ति। विजयादशमी पर प्रत्येक वर्ष निकाली जाने वाली श्री राम विजय यात्रा इस वर्ष भी धूमधाम से निकाली गई। मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य पूर्व सांसद राम विलास वेदांति। विशिष्ट अतिथि के तौर पर SC/ST आयोग के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री सांसद रामशंकर कठेरिया। इस बार यात्रा में आकर्षण रहा नगर के हनुमान मंदिर में स्थापित की जाने वाली 13 फीट की श्री राम की प्रतिमा। प्रतिमा की विशेषता ये है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में बनने वाले मंदिर में लगाई जाने वाली प्रतिमा की प्रतिमूर्ति है। हजारों की संख्या में युवाओं का हुजूम यात्रा में शामिल रहा। मैंने वही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। हम भारत में शांति की स्थापना चाहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना चाहते हैं, राष्ट्रीय सद्भावना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के भारत के वैभव को, भारत के गौरव को बढ़ाएंगे। अब वह समय नज़दीक आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों के हाथ में वो सारी रिपोर्ट चली गई है। वो निर्णय मुझे ऐसा लगता है कि 17 नवंबर को गवोई जी रिटायरमेंट हो रहे हैं, उसके पहले कुछ न कुछ निर्णय आ जाएगा जो आप सब लोगों की आंखों के सामने रहेगा। हमारे PM ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पे आस्था रखना चाहिए, हिंदू समाज इसको कैसे देखता है? नहीं, बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है हम उससे सहमत हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण आस्था रखते हैं और पूर्ण विश्वास रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध, पानी का पानी अलग करेगा। सुप्रीम कोर्ट माने हंस, जैसे हंस सिर नीर के विवेक करता है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा, जिस निर्णय को हम सब लोग स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है देश की जनता स्वीकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे, राष्ट्रीय सद्भावना बनी रहे। इस देश का 80% मुसलमान भी चाहता है कि अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो, और कई मुसलमान अयोध्या में ईंट लेकर, पत्थर लेकर, सीमेंट लेकर गए भी थे कि हमको मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट अनुमति देता है तो हम लोग भव्य रामलला के मंदिर के निर्माण शुरू कर देंगे। आतंकवाद के खात्मे के लिए धारा 370 खत्म की गई है, अगला मिशन क्या भी हो सकता है? देखिए मैं बताऊं, अब ये योजना तो भारत सरकार बनाएगी कि अगली योजना क्या होगी, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि POK भारत का अंग है, भारत का रहेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए POK भारत का अभिन्न हिस्सा हो जाएगा। एक प्रभु आपकी मूर्ति की स्थापना करने आप आए यहाँ, आज उसका स्थापना करेंगे, उसके बाद अयोध्या में कब होगी मूर्ति की स्थापना? बताया मैंने ना, अब यहाँ की स्थापना हो जाएगी, उसके बाद अयोध्या की प्रारंभ होगी। ठीक है, आइए। NTV टाइम के लिए इटावा उत्तर प्रदेश से विनय पाल की रिपोर्ट।